अध्याय 20। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए। वे कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है? वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्य दुखता है। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तब वो लोगों से ये दृष्टांत कहने लगे कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वे उसका आदर करें? जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि वो तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला, इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा ना करे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। उस घड़ी शास्त्रियों और महायाजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर ये दृष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। उन्होंने उससे ये पूछा, गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है अथवा नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी मूर्ति और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। सदूकी मरे हुओं का जी उठना नहीं मान, उनमें से कितनों ने उनके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सो सात भाई थे, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, दूसरे ने और फिर तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। इस रीति से सातों बिना संतान मर गए, सबके पीछे वो स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर
वो उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी न होगी, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु ये बात कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वो प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। ये सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने ये कहा, हे गुरु तूने अच्छा कहा। उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान क्यों कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे।